इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कौतुक जिनके रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड प्रकट है भैया, वो भगवान की उनके आने पर वेद की स्तुति। अब लीजिए, मैं एक बार चित्रकूट धाम गया तो हमारे गुरु भाई बताए, गुरुदेव के दर्शन करने गया था, कि भैया गुरु जी को अलंकरण मिला है। हमने कहा धरो यार, प्रकाश भैया भी थे, धरो ही सब अलंकरण मिला, तुम मिठाई बांटो। तो गुरु जी से कह दिया, वो हमारे गुरु भाइयों तो भगवान ने अलौकिक भेजे हैं सब, दिव्य दिव्य हैं भैया। गुरु जी कहे कहो प्रेम जी, ऐसा अलंकार मिला और आपने कहा कि रखो रखो। मैंने कहा प्रभु, हमारे गुरु जी गुरुदेव भगवान सब अलंकार अलंकार से परे हैं, वो धरती के साक्षात बृहस्पति हैं। ये अलंकार फलंकार क्या हमारे गुरु जी के लिए हो? अलंकार गुरु जी के पास जाके खुद अलंकृत हो जाता। तो गुरु जी हमका चिपकाई लिए, कहो गुरु जी चिपकाई लिए। अच्छा क्यों? गुरु जी अपनी प्रशंसा करते नहीं, सुनते भी नहीं, स्वभाव है सरकार का। अरे जिसको सब याद है, हो अमेरिका ने शोध किया है कि हमारे गुरुदेव भगवान के मस्तिष्क में 7 कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं। अब सोचो आप, जकरे सिरे में 7 कंप्यूटर, एक एक कंप्यूटर लेकर के विवेक जी दिन भर झुराए रहते हैं, जहां 7 कंप्यूटर वर्क कर रहा हो, कितना कंठस्थ है साहब। एक बार सुन ले तो जीवन भर के लिए, अगले जन्म तक के लिए कंठस्थ हो रहता है। कोई कैसी अलौकिक अवस्था है, आप कल्पना करिए। वह कौतुक क्या है? जिन भगवान के एक एक रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट हो, वहां उनके आने पर वेद ध्वनि ले हो गया। क्या अर्थ है? यह कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास जात न जाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास जात न जाना। जी मास दिवस कर दिवस भा, मरमन जान को रथ समेत रवि आके वो निशा कवन विधि हो। बाबा बोले यह रहस्य का हो रहस्य कोई जान नहीं पाया, यह रहस्य रघुनाथ कर अर भैया बेगिन जाने को। काकभुसुंडी बाबा गरुण जी के प्रति उत्तर कांड में कहते हैं, भगवान का यह रहस्य कोई जान ही नहीं सकता है। और बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, जान तो सकता है कौन जिसको ई जनवाई दे, सोई जानई जे ही दे जनाई। अजनला की बात जानत तुम ही होई। भगवान की पवित्र मधुर और दिव्य रहस्य को जो जान जाएगा, वो भगवान का ही हो जाएगा, भगवान में ही रम जाएगा। इधर उधर हटकेगा क्यों? हुँ?
भगत भटकता है नहीं, न भगत भटकता है, वो भटकता नहीं तो कहीं अटकता भी नहीं, एक निष्ठ रहता है। बाबा बोले, देवी एक चोरी की कथा सुनाऊं, आप परम विदुषी हैं, मैं भी कागबसुंड जी महाराज नीलगिरी से आए तो भगवान के दर्शन करने गया था, मैं भी गया था। क्यों? कागबसुंड जी आए तब पहले प्रशंसा किया, क्यों किया कि आपको नहीं ले गया, कारण बस वो पिछली बार वाली कथा बाबा ने सुना दी, पिछली बार ले गए थे एक बार आपको कथा सुनाने, भगवान दंडकारण्य में लीला कर रहे थे, आपको मोह हो गया, मारे भाई के इस बार नहीं ले गया, माँ संकोचित हो गई, माँ संकोच में आई। बाबा कहते हैं, देवी देखा उस अवसर पर, उस माने सरकार के प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर जो आया, जिसने जो कुछ भी बधाई गाया, महाराज ने जिसने जो मांगा वही दिया, ध्यान कीजिएगा, बांटे से बढ़त है, बांटे से बढ़त है, रखे से सरत है, बोवे से फरत है। अब बटवे न करवा तो बढ़ी का, मनुस्मृति में एक बड़ी अच्छी बात आज हमने दर्शन किया है, क्या? इतनी सामग्री रखी हो तो बिना पूछे आप ले सकते हैं, कोई बुरा नहीं लगाएगा। खाने का कौनो सामान रखा हो, सरे के पहले लेके खाई जाओ, कौनो दोष नहीं। पूजा का सामान रखा हो और आपके पूजा में अवरोध हो रहा हो, उठा लीजिए बिना पूछे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, चलो रखा था कम से कम उपयोग हो गया। कोई रख दिया हो, भूल गया हो, आपको मिल गया हो, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। गौ दुग्ध, घृत, फल, मिष्ठान खराब होने के पहले सदुपयोग हो जाए, चाहे कोई भले चिल्ल पुकारे, बराबर करो, वो कोई दोष नहीं है, न्याय सम्मत है। क्योंकि खर्चे के ढंग ना हो के होकर खर्चा तो वो न्याय संगत। ये सब लिखा पढ़ी का है, अपनी ओर से हम नहीं कह रहे, सूत्र है मनुस्मृति का, सिखावे में बतावे के परत है ना, कही के बताए तो समझ में ना आवेला, हम दिखा के बताए देते, ऐसा रहे, बड़ी अच्छी बात। तो आया गाया और जिसने जो मांगा, मन संतोष है सब निकर जह तह देही असी सकल तने चिर जीव बाबा तुलसीदास के कछु के दिवस बीते यही भांति जातन जानी दिन अजुराती नाम करन कर अवसर दानी भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी करी पूजा भूपति अस भाता करिए नाम जो मुनि इनके नाम अनेक अनुपा मैं स्वमति अनुपा जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा विश्व भरण पोषण कर जोनी ताकर नाम भरत यसरो जाके सुमिरन देवी पुनासा नाम सतुवन भेद प्रकासा जाके सुमिरन देवी पुनासा नाम सतुवन भेद प्रकासा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, उनसे जो छोटे हैं उनका नाम भरत, सबसे छोटे वो पहले बैठे थे उनका नाम शत्रुघ्न, इनसे जो बड़े हैं इनका नाम लक्ष्मण।
गुरु जी ने चारों पुत्रों के नामकरण कर दिए, नाम रख दिए। नाम छोटा हो, प्यारा हो, सरल हो, नाम कठिन नहीं रखना चाहिए, अपने को समझ में आवे। हम कहना तो हम खुद हेराई जाए के लड़का के का नाम है हो ढूंढा बैठ के। पहले लोग नाम रख देते थे, चाहे जो रख देते थे, बहुत अच्छा ज्वेला का नाम गुरु कर देते थे। अब तो लोग पढ़े लिखे हो गए। अच्छा, पढ़े लिखे लोग अपने में एक समस्या है साहब, विपत है पूरा। नाम ढूंढते थे पति पत्नी लेकर के डिक्शनरी कहाँ, आजकल तो इंटरनेट से लोग नाम निकाल लेते हैं। भगवान कृपा करें, नहीं तो पता चला कि बाल गोपाल भी इंटरनेट से होवे शुरू हो जाए। क्या समय आ गया, कहीं क्लोन संचालित हो गया, मान्यता मिल गई तो होइबे करेगा साहब, आदमी की आवश्यकता नहीं रहेगी। नाम सरल रखो, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। वस्तुतः नाम किस ग्रह के साए में, किस नक्षत्र में, किस मुहूर्त में जीव धरा पर आया है, उसी प्रकार अक्षर प्राप्त होकर नामकरण होता है। हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ने अपने पोते का नाम रख दिया राघव कृपा। कथा में आ गया तो राघव कृपा हो जाए। वो मार्ग अलग है और ये मार्ग अलग है। वो आपको अतिक्रमित नहीं करते, आप उनको अतिक्रमित न करिए, चलने दीजिए। आप अपने रस में रहिए, ठीक मत करिए, ठीक रहिए। गुरुदेव ने कहा, राजन आपके चारों पुत्र वेद के सार हैं। है सो सुख धाम राम यस अखिल लोक दायक प्रभु सारे जगत को विश्राम देते हैं। राम जी केवल हमको आपको विश्राम नहीं देते हैं, आप राम नाम गाइए सबको विश्राम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह शाम आठ व्याम मिलेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।